माय यूट्यूब चैनल डीजे राजा के डब्ल्यू डी। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो है शार्प एडियो ST 7000 के ऊपर। तो बहुत दिन पहले मैंने लगभग 6-7 महीने पहले इस एम्पलीफायर का रिव्यू किया था। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जब मैंने रिव्यू किया था गाइस इस शार्प एडियो ST 7000 का, तो बहुत लोग कमेंट किए थे कि भाई ये गलत एम्पलीफायर ले लिया, अच्छा नहीं है ये एम्पलीफायर जो है जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ऐसा कई लोग जो है बहुत से ख़राब कमेंट आए थे कि इस एम्पलीफायर के ऊपर कि ये एम्पलीफायर अच्छा नहीं है। तो सो गाइस, आज जो है इस एम्पलीफायर को मैंने यूज़ कर लिया और क्या ख़राबी है और क्या अच्छाई है इस एम्पलीफायर के, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। तो चलिए फिर आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस एम्पलीफायर में बुराई क्या है और अच्छाई क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है हमारा शार्प एडियो ST 7000। जैसे कि ये है शार्प एडियो ST 7000, इधर आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस, इस एम्पलीफायर को मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया है, इसलिए मैं इसका थोड़ा डिटेल रिव्यू आप लोगों को दे सकता हूं। तो चलिए जो है इसका डिटेल रिव्यू मैं आप लोगों को देता हूं। सबसे पहले इस एम्पलीफायर का जो प्राइस आपको पड़ जाता है 45 से 50 हज़ार के बीच में मिल जाएगा। उसके बाद इसको आप फ्लाई केस में लेंगे तो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, विदाउट फ्लाई केस भी आप लोग ले सकते हैं। तो मैंने इसको लिया था विदाउट फ्लाई केस। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने लकड़ी के इसके लिए कवर बनवा रखे हैं इसकी सेफ्टी के लिए। तो सबसे पहले आप बात करते हैं, यहाँ पे 4 इंच के फ़ैन मिल जाते हैं आपको, 2 पावरफुल फ़ैन मिल जाते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर पावर सिग्नल, सिग्नल 2, क्लिप और प्रोटेक्शन LED लाइट मिलते हैं। ये LED लाइट है गाइस, ये बल्ब वाला नहीं है, ये LED लाइट है, ठीक है। वहाँ उसके बाद यहाँ पे चैनल 1 का वॉल्यूम नोब देखने को मिलता है और यहाँ पे जो है पावर ऑन ऑफ का स्विच ऑफ, और यहाँ पे जो है चैनल 2 का वॉल्यूम नोब देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले मिल जाता है, इसमें शो करता है आपका एम्पलीफायर कितना गर्म हुआ है, प्लस कितना वोल्ट है आपका जो एम्पलीफायर में, कितना वोल्ट में चल रहा है वो भी दिखाता है। उसके बाद तो ये था सामने का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बैक साइड और इसके कुछ डिटेल भी मैं दूंगा। तो सबसे पहले डिटेल की बात करें तो ये जो देता है 4 ओम पे ये दे देता है 3200 वाट, और ये जो है 8 ओम पे देता है शायद 2150 से 2200 देता होगा। इसके जो कैटलॉग है उसमें नहीं लिखा था गाइस, 4 ओम का दिया था 3200 वाट। आप नेट में भी सर्च मार सकते हैं ST 7000 शार्प एडियो ST 7000 प्राइस एंड डिटेल से करके, आपको दिखाई दे शो हो जाएगा क्या क्या इसका डिटेल सब वगैरह, प्राइस भी आपको सर्च कर। सो ये था, और इसका जो डंपिंग सेक्टर है वो आपको मिल जाता है 1500 वाट, ठीक है। तो चलिए फिर आप चलते हैं बैक साइड की ओर, और बैक साइड चलते हैं। सो गाइस, हम लोग आ गए यहाँ पे बैक साइड में। तो चलिए फिर बात करते हैं कर आउटपुट के लिए। यहाँ पे स्पीकर ऑन देखने को मिलता है चैनल 1 का और चैनल 2 का। उसके बाद यहाँ पे इसके कुछ डिटेल मिल जाते हैं कि स्पीकर ऑन को किस तरह से कनेक्शन करना है, और इसमें कोई क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी नहीं है गाइस जैसे कि बाकी एम्पलीफायर में। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये है 1 का इनपुट और ये है चैनल 2 का इनपुट, और ये दोनों हैं आउटपुट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे छोटे छोटे आपको MCB टाइप के कुछ दिखेंगे, इसको आपको सेंसिटिविटी को सेट करने के लिए दिया है, ठीक है। तो ये चैनल 1 का सेंसिटिविटी है, चैनल 2 का सेंसिटिविटी। बाकी एम्पलीफायर में क्या होता है कि एक ही में दे दिया रहता है, जैसे कि 70 यहाँ पे आप देखें 0.77 वाट है, और 1.0 वाट, और 1.4 वाट, तो ये इस टाइप का दिया रहता है। तो इसमें अलग अलग दिया है, जैसे कि ये वाला और ये वाला अलग अलग, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसके कुछ कमी की बात करें तो सबसे पहले मैं कमी बता देता हूँ इसका, ठीक है। तो कमी ये है कि इसमें वाइंडिंग वाला वायर, तो वायर के जरिए से आप बाई चांस निकालना चाहते हैं स्पीकर आउटपुट, तो ये आप लोग नहीं निकाल सकते। और ये जो अगर ये ख़राब हो जाता है तो सीधे सीधे आपको एम्पलीफायर को खुलवाना पड़ेगा, उसके बाद इसको रिप्लेस करवाना पड़ेगा। तो ये इसका जो है इसमें ख़राबी है, ठीक है। तो मतलब इसमें वाइंडिंग वाला वायर भी देना चाहिए था, और यहाँ पे जो है क्रॉस ओवर सेटिंग के लिए भी देना चाहिए था जो इन्होंने नहीं दिया है, जैसे कि बाकी एम्पलीफायर में रहता है सेंसिटिविटी
और क्या बोलते हैं ग्राउंड वाला, और अब मतलब बहुत कुछ होते हैं सेट करने वाला, फ्रीक्वेंसी, बाकी क्रॉस वायर को, सॉरी बाकी एम्पलीफायर को देखे होंगे, तो इसमें कुछ नहीं दिया है, तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, स्टूडियो और पैरेलल करने के लिए यहाँ पे एक स्विच दिया रहता है, उसको आपको अंदर से घुसा के जो है स्टूडियो और पैरेलल करना होता है गाइस। सो गाइस ये था एम्पलीफायर, और कई लोग बोलते थे कि ये जो एम्पलीफायर है वो प्रोटेक्शन मोड में जाने के बाद जो है ऑन नहीं होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मैंने इसको अच्छे से यूज़ किया है। ये जो एम्पलीफायर का पावर जो है वो ज़बरदस्त पावर है, इसका जो पंचिंग पावर है वो बहुत ही अच्छा पंचिंग पावर है, और सबसे बड़ी बात और ये तो ये मैंने लगवाया है गाइस, मतलब लगाया है, इसमें दो पिन वाला आता है जिससे आपका एम्पलीफायर जो है हिलता था, तो मैंने ये 3 पिन सॉकेट लगाया है, तो बस बाकी एम्पलीफायर बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बेस के लिए, स्पेशल बेस के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।